नहीं आप क्यों कह रहे हैं। तो मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा आपके सामने कि पूरे विश्व के इतिहास को जब आप खंगालने का कार्य करेंगे तो अनुदेश को इतना शोषित पीड़ित कोई व्यक्ति आपको किसी धरती पे नहीं मिलेगा। एक ऐसा प्राणी है जो 7000 से अपना जीवन शुरू किया था 2013 में, 16 में हमारा मानदेय 8470 होता है। मुझे कहने में कोई इसमें कोई उदाहरण आपको मिला कि किसी का मानदेय बढ़ाने के बदले की बात कही गई है, लेकिन इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार अनुदेशकों को आज तक नियमित नहीं की है और बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं 9000 रुपया, वो भी चुनाव के समय। आप बताइए यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब विषय विशेषज्ञ है और कितना मिलता 9000। ये जो महिलाएं बैठी है सर, प्रकृति ने इनको माँ बनने का सौभाग्य दिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार इनसे वो माँ बनने का सौभाग्य विकसितने का काम करती है। इनको मातृत्व अवकाश नहीं मिलता, इनको चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलता, इनको मेडिकल नहीं मिलता, केवल और केवल 10 छुट्टी 10 ईयर। आप बताइए यदि प्राइवेट में भी कोई काम करता हो तो उसको भी 14 ईयर मिलता है, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनको केवल और केवल 10 ईयर। आप बताइए 10 ईयर में कोई 11 महीना काम चला पाएगा क्या? और 11 महीना जब हम सरकार का काम करते हैं तो 15-15 दिन का हमारा 2 बार मानदेय काटा जाता है। आप बताइए ये 11 महीने हम उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं तो 15-15 महीने का तनख्वाह हमको कौन देगा? क्या उस समय हमारे बच्चे खाएंगे नहीं? क्या हम खाएंगे नहीं? हम कहाँ जाएंगे? कौन हमको नौकरी देगा? तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार न हाई कोर्ट की बात मानती न सुप्रीम कोर्ट की बात मानती। योगी जी पैंट नहीं पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, 2 पॉकेट नीचे 1 पॉकेट ऊपर, 1 कोर्ट में जो नीचे का पॉकेट है, 1 में इलाहाबाद हाई कोर्ट, 1 में लखनऊ हाई कोर्ट। प्रतिदिन पाने वाले से ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ती है। क्या बताइए न्याय है क्या? 300 रुपया पाने वाला से ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट के भी 14 अगस्त को कहा 3 का 17 हजार का भुगतान हमारे बालों को देखने का। वैश्विक शिक्षा विभाग में कल 27,555 हेतु और शोषण और अत्याचार के खिलाफ ये हजारों का सलाम यहाँ पे इनको कार्य में पहुँचा है। आदरणीय संदीप पांडे सर है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है और ये हमारी लड़ाई को आज अपना आशीर्वाद प्रदान करने आए सर। इस प्रकार की हस्तियाँ हमारे साथ आई है। आप देखिए एक पूर्वांचल का गांधी गोरखपुर से निकल कर अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा पे ज्ञापन देने का कार्य प्रशासन उनको आने नहीं दे रही है, लगातार उनके कार्य में बाधा डाल रही है। तो इस प्रकार की संकेत का हमको समर्थन मिल रहा है और आज उसी जिंदाबाद जिंदाबाद।